हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज हम डिस्कस करने वाले हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। सो स्टूडेंट्स, मैं इससे पहले आपको बता चुका हूं कि स्टॉक थ्योरम क्या होती है, ग्रीन थ्योरम को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं और लाइन इंटीग्रल के बारे में बताया। उससे पहले मेरे जो वीडियोस हैं जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कर्ल क्या होता है, डाइवर्जेंट क्या होता है और वेक्टर का बेसिक कंसेप्ट बताया, तो स्टूडेंट्स यहाँ आईटीएब है, यहाँ पे आप जाके ये वीडियोस देख सकते हैं और उसके बाद आप ये देखेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। प्लस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे मेरे और भी वीडियोज डले हुए, लाइक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, उस पर भी मैंने काफ़ी सारे कंटेंट आपको डाला है जहाँ आप देख सकते हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्म है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, फूरियर सीरीज है, मैट्राइसेस है जिसमें मैंने आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर के एलिमिल्टन थ्योरम, सो ये सभी स्टूडेंट्स आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लस एक स्टूडेंट की कंप्लेन आती है, सर इसमें विजिबिलिटी नहीं आ रही है, सर थोड़ा सा क्लियर नहीं नजर आ रहा, तो स्टूडेंट आप अपना यूट्यूब में जो सेटिंग होती है वहाँ पर आप सेटिंग में जाके 144p जो है उसको आप थोड़ा चेंज करके 240 या 300 या 400 कर लें, सो देट कि आपकी विजिबिलिटी और इंक्रीज हो जाए। सो ये हमारा मिस्टेक नहीं है, आपकी सेटिंग में जाके आपको चेंज करना पड़ेगा, सो ये आप देख लें वहाँ पर, राइट। अब बात करते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पे। सो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है कि नॉर्मली ग्रीन और स्टॉक थ्योरम में क्या होता है कि हम लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करते हैं, पर जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है वो क्या करती है, डबल इंटीग्रल दैट इज सरफेस इंटीग्रल को किस में कन्वर्ट करता है, वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है ना। द नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन एफ ओवर द बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड रीजन इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंट एफ टेकन थ्रू आउट द रीजन। मतलब ये बोल रहा है कि सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होती है। इसका एक स्टेटमेंट और ये भी होता है, इसको हम डिराइव करके हम ये वाला फॉर्म में भी ला सकते हैं, पर आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं है। इस पे बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये फॉर्म देखना, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन है तो ये स्टेटमेंट लगाना है, इस फॉर्म में है तो आपको ये वाला कंसेप्ट लगाना है, क्लियर। सो एफ वन डी वाई डी जेड, एफ टू डी जेड डी एक्स, एफ थ्री डी एक्स डी वाई, तो उसकी वैल्यू ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डेल एफ वन बाय डेल एक्स प्लस डेल एफ टू बाय डेल वाई प्लस डेल एफ थ्री बाय डेल जेड डी एक्स डी वाई डी जेड के बराबर होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के दो स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट ये है और एक स्टेटमेंट ये, दोनों ही एक मतलब ये से डिराइव होके निकलता है ना। तो अभी मैं आपको ये जो नीचे वाला स्टेटमेंट इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, शो दैट एक्स डी वाई डी जेड प्लस वाई डी एक्स डी जेड प्लस जेड डी एक्स डी वाई की वैल्यू आपको प्रूव करने की 4 पाई ए स्क्वायर के बराबर होगी, वेर एस इज द स्फेयर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ मैं बता दूँ आपको ये वाला स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे जो ये एफ वन है, एफ वन क्या होता है, डी वाई डी जेड का कोफिशियंट, तो एफ वन की वैल्यू स्टूडेंट कितना है यहाँ पे, सो एफ वन इज इक्वल टू है एक्स, एफ टू इज इक्वल टू है वाई और एफ थ्री इज इक्वल टू है जेड, क्लियर है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होती, इसके बराबर होती। कहने का मतलब ये हुआ कि x dy dz प्लस y dx dz प्लस z dx dy इज इक्वल टू क्या होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, f1 को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो ये जो f1 है इसका अगर हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, राइट। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। नाउ f2 का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इसकी वैल्यू भी किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर आएगी। नाउ f3 का z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 आएगी, इनटू dx dy dz वॉल्यूम। तो आप देख रहे हैं 1 1 1 3 हो गया, इस 3 को आप बाहर निकाल दीजिए, सो dx dy एंड dz। स्टूडेंट मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है डबल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy, और वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy dz। तो ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ सीधा क्या हो रहा है, वॉल्यूम हो रहा है, किसका वॉल्यूम है, जो आपने सरफेस लिया हुआ है। तो सरफेस क्या है हमारा, स्फेयर है, तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई ए क्यूब। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसल, सो आंसर इज पाई ए क्यूब, यहाँ पे ये ए क्यूब है ना। तो आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना है, तो स्टूडेंट इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो ऊपर वाला स्टेटमेंट इस पे बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट एक और क्वेश्चन देखिए, आप यहाँ पे डाइवर्जेंट गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पे, यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू निकालनी, तो वी नो दैट बाय द हेल्प ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एफ डॉट एन डी एस की जो वैल्यू होती है वो होती है ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंट ऑफ एफ इंटू डी वी। हम सबसे पहले क्या करेंगे, डाइवर्जेंट ऑफ एफ निकालेंगे, और डाइवर्जेंट ऑफ एफ का मतलब होता है डेल डॉट एफ, है ना। तो डेल का मतलब होता है आई, डेल बाय डेल एक्स, जे डेल बाय डेल वाई एंड के डेल बाय डेल जेड डॉट एफ। ये जो f है इस पूरे को आपको यहाँ रखना है, क्लियर है ना, आप रख देना। नाउ हम क्या करेंगे, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, राइट। तो i डॉट i क्या हो जाएगा, 1, तो ये आएगा डेल बाय डेल x ऑफ 2x प्लस 3z प्लस डेल बाय डेल y ऑफ दिस, सो डेल बाय डेल y ऑफ माइनस का xz प्लस y। नाउ डेल बाय डेल z k डॉट k 1 आएगा, है ना,
सो डेल बाय डेल जेड ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2z. स्टूडेंट अगर आपको डाइवर्जेंट निकालने में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ आई टैब पे जाके आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको बता रखा था कि किस तरह से डाइवर्जेंट निकालते हैं. नाउ इसका हम x के रस्म करेंगे तो 2, इसका y के रस्म करेंगे तो -1 आएगा, उसका z के रस्म करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, z के रेस्पेक्ट में आपका 2 आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 आएगा. नाउ हम जानते हैं यहाँ पे थ्योरम से आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, दैट इज एस एफ डॉट एन डी एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंट ऑफ एफ, और डाइवर्जेंट ऑफ एफ की वैल्यू कितनी आई 3, और dv का मतलब होता है dx dy dz वॉल्यूम इंटीग्रल. और स्टूडेंट यहाँ देखिए आप 3 ये आएगा आपके पास dx dy dz, और मैंने बताया था ये फार्मूला किसका होता है, वॉल्यूम का होता है, और वॉल्यूम किसका, स्फेयर का जिसकी रेडियस कितनी है 3 है. तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा 4/3 πr³, r की वैल्यू कितनी है 3 है. सो 3 से 3 कैंसिल हुआ 9 है ना, सो दिस इज 12 × 9π, दैट इज 108π. सो दिस इज द आंसर बाय द हेल्प ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. अब एक दो क्वेश्चन और लूंगा जिससे आपको और कंसेप्ट क्लियर होंगे. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखिए, और इस टाइप के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. यहाँ पे हम ये प्रूव करेंगे, ये क्वेश्चन ये है कि आपको दे रखा है कि एफ दे रखा है और आपसे बोल रहा है कि एफ डॉट एन डी एस की वैल्यू निकालो, और आल्सो वेरीफाई द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. तो हमें क्या करना है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सरफेस से इंटीग्रल से इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर वॉल्यूम इंटीग्रल से इसकी वैल्यू निकालेंगे, दोनों से हम क्या कर देंगे, इसको बराबर प्रूव कर देंगे. पर मैं यहाँ उल्टा करूंगा, मैं सबसे पहले वॉल्यूम इंटीग्रल से मतलब बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम निकालेंगे हम, बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. सो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से क्या होता है, यहाँ पे हम जानते हैं डबल इंटीग्रेशन ऑफ वी डाइवर्जेंट ऑफ एफ डी वी, पर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका डाइवर्जेंट निकालना पड़ेगा, राइट. सो डाइवर्जेंट ऑफ एफ का मतलब क्या होता है, डेल डॉट एफ दैट इज आई डेल बाय डेल एक्स जे डेल बाय डेल वाई के डेल बाय डेल जेड है ना इनटू डॉट एफ, और एफ हमारे पास ये दे रखा, मैं सीधा लिख नहीं रहा हूँ, मैं सीधा लिख रहा हूँ इस तरह से. सो दैट इज इक्वल टू क्या करेंगे, आई डॉट आई वन होगा, ठीक है, ये आई डॉट आई वन होगा, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1. नाउ जे डॉट जे 1, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी -1, और इसका वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे z का, दैट इज इक्वल टू 2z. सो ये जो वैल्यू आएगी आपके पास ये 2z आएगी. तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है डाइवर्जेंट ऑफ f की 2z, और ये आएगा dx dy और dz. अब यहाँ पे आपको लिमिट लगानी है, ये लिमिट का थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है. ट्रिपल इंटीग्रेशन में लिमिट किस तरह से निकालते हैं तो वो मैं आपको समझाता हूँ. ये 2 बाहर निकाल दीजिए, ये आएगा dx dy, z भी है एंड dz. सबसे पहले z की लिमिट लगाइए. तो देखिए यहाँ पे z कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो इस क्वेश्चन में z जो है वो 0 से 1 जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे z 0 से 1 है ना. अब आपको ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 पे लिमिट निकालनी है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम y की लिमिट लेंगे. सो y क्या होगा, ध्यान दीजिए y की वैल्यू कितनी आएगी, ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा, मतलब अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 4 − x², सो y इक्वल टू +√4 − x², ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, माइनस का 4 − y² से जाएगा ये 4 − y². अब x की लिमिट निकालेंगे, तो जब भी हम x की लिमिट निकालेंगे तो अब y को 0 पुट कर देंगे ना, तो y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी +−2, तो यहाँ से ये x जाएगा −2 से 2. मैं स्टूडेंट फिर से आपको समझा दूँ, सबसे पहले z की लिमिट रखेंगे 0 से 1, फिर हम यहाँ आएंगे है ना. अब हम y की लिमिट रखेंगे, तो y की लिमिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर उधर ले जाना पड़ेगा. सो दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर, राइट है ना. तो 4 − x² और अंडरूट ले लेंगे तो प्लस माइनस आएगा, तो नेगेटिव लिमिट ऊपर पॉजिटिव लिमिट हम ऊपर नीचे, नेगेटिव लिमिट नीचे रहेगी पॉजिटिव लिमिट ऊपर रहेगी. देन अब x की लिमिट निकालना चाह रहे तो इसको 0 पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आएगी −2 से 2. तो ये हमारा लिमिट निकालने का तरीका है. अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे. सो इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट, तो देखिए आप क्या होगा, इज इक्वल टू 2 है ना, ये आएगा x इज इक्वल टू −2 से 2, y इज इक्वल टू माइनस का रूट 4 − x² से 4 − x², और ये जो z है इसका इंटीग्रेशन होगा z² / 2 है ना. सबसे पहले z के रस्म करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, ये z² / 2, लिमिट कितनी देर की है 0 से 1 dx dy, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, लिमिट रखेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी आपके पास x इज इक्वल टू −2 से 2, y इज इक्वल टू 4 − x² से 4 − x² है ना. इसकी वैल्यू रखेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1² − 0, तो ये 1 हो जाएगा. सो dx dy, और वैसे मैं आपको बोलूँ तो ये सीधा एरिया का फार्मूला है, और एरिया किसका, सर्कल का एरिया, और सर्कल का एरिया कितना होता है πr², r की वैल्यू 2 है तो 4π इसका आंसर आ जाएगा है ना. बट यहाँ पे क्या करेंगे आप,
इधर देखिए आप, यहाँ पे हम वाई का करेंगे, तो ये जो फंक्शन है वाई है ना, वैसे इवन है, तो मैं ट्वाइस कर देता हूँ, इधर भी ट्वाइस कर देता हूँ, उसको फोर लिख देता हूँ. सो एक्स इज इक्वल टू जीरो से टू, वाई इज इक्वल टू फोर माइन जीरो से फोर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई. नाउ सबसे पहले आप वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये आएगा एक्स इज इक्वल टू जीरो से टू, और ये वाई का इंटीग्रेशन डी वाई का वाई हो जाएगा, और वाई की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये आएगा फोर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. नाउ इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा आपके पास फोर एक्स बाई टू फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई टू लिमिट जीरो से टू. और यहाँ रखेंगे तो टू पे तो ये जीरो हो रहा है, यहाँ पे टू आएगा साइन इनवर्स वन, कितना आएगा पाई बाई टू, तो ये आएगा फोर इंटू फोर बाई टू, और ये साइन इनवर्स वन पाई बाई टू आएगा. सो आंसर इज 4π. तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे. और वैसे अगर आप नहीं भी करना चाहो तो यहाँ से सीधा लिख सकते हो, ये एरिया का फार्मूला है, और एरिया का फार्मूला कितना होता है 4πr², और r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है, तो 4π आंसर आ जाएगा. बट ठीक है, अगर आप करना चाहो तो इस तरह से इसको कर सकते हैं. तो ये मैंने आपको बताया बाय द हेल्प ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, है ना. अब मैं बताऊंगा कि सरफेस इंटीग्रल से इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं. 4π दोनों सेम आ जाएगी तो हमारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा. सो स्टूडेंट, यहाँ पे जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये क्वेश्चन था, इसको अपन ने गॉस डाइवर्जेंस से सॉल्व किया, और अब हम इसको करेंगे बाय सरफेस इंटीग्रल, और दोनों से इसका आंसर प्रूव करेंगे 4π. आपको यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को वेरीफाई करना है. सो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर और जेड इज इक्वल टू जीरो एंड जेड इज इक्वल टू वन. तो ये एक सिलेंडर बन रहा है जिसका सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इज इक्वल टू फोर है, और यह जेड इज इक्वल टू जीरो बेस है, और एक जेड इज इक्वल टू वन पे बन रहा है, और इससे एक सिलेंडर बन रहा है. आपको यहाँ पे इसका सर्फेस इंटीग्रल निकालना है. तो स्टूडेंट यहाँ पे तीन फेज है इसके, एक तो लोअर फेज है S1 है, दूसरा है यहाँ पे ऊपर वाला S2 टॉप फेस, और ये जो कर्व्ड सरफेस है दैट इज S3. इन तीनों का हम वैल्यू निकालेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे. तो मैंने लिख रखा है बेस S1 दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, जेड इज इक्वल टू जीरो. अपर फेस S2 दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एंड जेड इज इक्वल टू वन. एंड कर्व्ड सरफेस दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, दिस इज सिलेंडर, राइट. नाउ अब हम बात करेंगे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एफ डॉट NdS की वैल्यू. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बाय द थ्योरम, यहाँ पे इसकी मतलब सरफेस इंटीग्रल इसकी वैल्यू कितनी होगी, एफ डॉट NdS. S1 सरफेस पे अलग निकालेंगे, है ना, S2 सरफेस पे अलग निकालेंगे, एंड S3 सरफेस पे अलग वैल्यू निकालेंगे इसकी, राइट. सो सबसे पहले बाय 4 S1, है ना, हम S1 की बात करते हैं. तो S1 में क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एंड जेड इज इक्वल टू जीरो है. तो ये जो आपका F है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जेड की जगह जीरो रख दीजिए, तो ये जो F है आपका, ये आपका F हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आई, है ना, और सॉरी एक्स आई माइनस वाई जे, और यहाँ जेड जीरो रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का के. अब बात होती है नॉर्मल वेक्टर दैट इज एन, एन कैप की वैल्यू कितनी होगी. तो देखिए यहाँ पे ये एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स वाई प्लेन में ये भी एक्स जेड इज इक्वल टू जीरो भी एक्स वाई प्लेन में, और जेड इज इक्वल टू वन भी एक्स वाई प्लेन में. तो आपको दिखाने के लिए यहाँ पे एन की वैल्यू क्या लेंगे आप, माइनस का के लेंगे, और यहाँ पे एन की वैल्यू क्या लेंगे आप, के लेंगे. ये ध्यान देने की जरूरत है, है ना, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में जेड क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है. और ये उसका क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर है ना. तो ये जो एन की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, माइनस की होगी. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे एस वन एफ डॉट NdS इज इक्वल टू, है ना, एस वन एफ कितना है बेटा यहाँ पे, एक्स आई माइनस वाई जे माइनस के डॉट माइनस के इंटू DS, और DS क्या है, एक्स वाई प्लेन है, तो यह आएगा DX DY. तो स्टूडेंट के डॉट के वन होता है, बाकी आई डॉट के और जे डॉट के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो मैं यहाँ इसकी वैल्यू निकालता हूँ, तो ये जो वैल्यू आएगी आपके पास S1 एफ डॉट NdS की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास डबल इंटीग्रेशन ऑफ ये के डॉट के वन हो जाएगा, अगर माइनस माइनस प्लस, तो ये DX DY आ जाएगा. और DX DY किसमें, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर. हम जानते हैं ये सर्कल, ये जो होता है ये एरिया का फार्मूला होता है, तो ये कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर. सो द आंसर इज 4π. क्लियर है, ये S1 सरफेस में आएगा. नाउ 4S2, और 4S2 में हम जानते हैं क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर और जेड इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1. यहाँ पे हम F में इसकी वैल्यू रखेंगे, और एन केप की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, के आएगी. नाउ एफ वेक्टर ये रह गया, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स आई माइनस वाई जे, और यहाँ पे 1 रखेंगे जेड की जगह, तो ये कितना आ जाएगा, 0 के आ जाएगा, राइट. सो S2 एफ डॉट NdS की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास, देखिए यहाँ पे ये S2 है ना, ये वैल्यू आएगी आपके पास एक्स आई माइनस वाई जे प्लस 0 के डॉट
n की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी है ना, और ये भी dx dy ही आएगा। बट स्टूडेंट यहाँ देखिए k है ही नहीं यहाँ पे और जीरो है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। क्लियर। नाउ अब हम बात करेंगे फोर किसके लिए, s3 के लिए। सो s3 के लिए हम जानते हैं क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे आएगा s3 f डॉट एन डी एस। तो यहाँ पे ये जो कर्व सरफेस एरिया है इसके लिए आपको इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो निकालना पड़ेगा। सो नॉर्मल वेक्टर का फार्मूला क्या होता है मैं आपको बता दूँ, नॉर्मल वेक्टर एक बार आप मैं इसको क्लीन कर देता हूँ फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ। सो स्टूडेंट यहाँ पे एस थ्री की बात करते हैं कि एस थ्री सर्फेस में कैसे वैल्यू निकालेंगे, तो एस थ्री सर्फेस के लिए पहले आपको नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और नॉर्मल वेक्टर क्या दे रखा है आपको यहाँ पे, ये जो सर्फेस दे रखा है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4, कर्व सर्फेस आपको निकालना, तो इससे आपको नॉर्मल वेक्टर निकालना पड़ेगा। और नॉर्मल वेक्टर के लिए भी मैं आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट, वेक्टर कैलकुलस का मेरा फर्स्ट वीडियो है, सेकंड वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं, ग्रेडियंट वाला कंसेप्ट जहाँ पे मैंने नॉर्मल वेक्टर निकालना सिखाया था है ना। सो वो कैसे निकालते हैं हम, ये ग्रेडियंट ऑफ एफ है, फाई है, इसका ग्रेडियंट निकालेंगे डिवाइडेड बाय मॉड ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू आई और वाई का डिफरेंशिएशन इंटू जे। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी आई टेप में जाके मेरा वाला वीडियो आप देख सकते हैं। सो टू एक्स आई प्लस टू वाई जे और इसका आएगा मॉड ऑफ ग्रेड फाइव दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, फोर। ये फोर उठा के यहाँ रखेंगे तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पे टू कॉमन निकल कैंसिल हो गए, तो ये हमारा क्या जाएगा, नॉर्मल वेक्टर आएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, एस थ्री एफ डॉट एन डी एस की वैल्यू चाहिए। सो आप देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, एफ डॉट एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एफ तो हमारे पास गिवन है और डॉट एन, एन हमारा नॉर्मल वेक्टर है, हम वैल्यू निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर दैट इज आई डॉट आई वन और जे डॉट जे वन होगा। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू आएगा। सो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू रखेंगे और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो डी एस आएगा। तो अब हमको क्या करना है, हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ दे रखा है ये वाला सरफेस दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, तो यहाँ लेंगे हम एक्स इज इक्वल टू टू कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू टू साइन थीटा लेंगे, राइट। तो उससे क्वेश्चन क्या होगा हमारा, सॉल्व होगा। सो देखिए आप यहाँ पे किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे हम, तो स्टूडेंट देखिए ये जो वैल्यू आएगी वो डी थीटा और यहाँ पे डी जेड लेंगे हम, और जेड क्योंकि जेड यहाँ पे है तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी, जेड ही आएगी है ना। तो अब देखिए आप क्या करेंगे, डबल इंटीग्रेशन वन बाई टू बाहर निकाल दिया, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, इसका स्क्वायर होगा दैट इज फोर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये आएगा फोर साइन स्क्वायर थीटा और डी एस क्या आएगा, डी एक्स डी जेड आएगा है ना, सॉरी डी थीटा डी जेड आएगा, तो डी थीटा इंटू क्या आएगा, डी जेड। और यहाँ पे जेड की जो वैल्यू वो कितनी जा रही है, जीरो से वन जा रही है ना, जेड कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, जीरो से वन जा रहा है, और थीटा क्या है, सर्कल है, और ये सर्कल से थीटा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, जीरो से टू पाई जा रहा है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ क्या होगा यहाँ पे, डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एफ डॉट एन डी एस की वैल्यू रखेंगे और डी एस क्या होगा, मतलब इस पूरे सरफेस में क्या 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 चेंजेस हो रहे हैं, एक तो एक्स और वाई भी चेंज हो रहा है और क्या जेड भी चेंज हो रहा है। और एक्स और वाई को हमने क्या ले लिया, इन दोनों को हमने थीटा में कन्वर्ट कर लिया है ना बाय द हेल्प ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। नाउ ये क्या करेंगे, फोर कॉमन निकल रहा है, ये टू हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू जीरो से टू पाई, जेड इज इक्वल टू जीरो से वन, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो फार्मूला होता है ये कॉस टू थीटा का फार्मूला होता है दैट इज डी थीटा डी जेड। हम सबसे पहले जेड के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट, तो ये आएगा थीटा इज इक्वल टू जीरो से टू पाई, जेड का तो हो गया वन है ना, लिमिट जीरो से वन कॉस टू थीटा डी थीटा, दैन ये वन रखने पर इसकी वैल्यू वन आ जाएगी। कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है स्टूडेंट, ये होता है जीरो से टू पाई साइन, लिमिट कर ही देता हूँ सीधा इसका इंटीग्रेशन, साइन टू थीटा अपॉन टू लिमिट जीरो से टू पाई, और हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। तो हमारे पास इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू आ चुकी है। सो फर्स्ट की जो वैल्यू आई वो फोर पाई आई थी, सेकंड की वैल्यू कितनी आई, जीरो, थर्ड की वैल्यू भी कितनी आई, जीरो, सो दैट इज इक्वल टू फोर पाई। तो इस तरह से गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यहाँ पे क्या होती है, वेरीफाई होती है। सो स्टूडेंट मुझे लगता है क्वेश्चन पूरा आपको समझ में आया होगा और इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने तीन टाइप के क्वेश्चंस बताए आपको, फर्स्ट में मैंने आपको बताया कि किस तरह से उसका जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का जो स्टेटमेंट होता है उसका एक और स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट से हम क्वेश्चन कैसे करते हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया यहाँ पे कि जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से कैसे हम क्वेश्चन करते हैं, और एक और क्वेश्चन बताया जिसमें मैंने आपको बताया कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को किस तरह से हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। सो स्टूडेंट मुझे लगता है आपको मेरे वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे होंगे, और प्लीज़ अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे को आप कमेंट भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड को शेयर करना ज़रूर न भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।